ऑल राइट, सो आज ब्रेकफास्ट के लिए एक्चुअली फ्रिज में अंडे बिल्कुल नहीं थे यहाँ पर। कल रात को मैंने देखा कि सिर्फ एक अंडा था। सो सोने के जस्ट पहले मैंने ये डिसाइड किया कि उठते उठते हम अंडे ऑर्डर करेंगे। इसीलिए जेप्टो से मैंने 24 एग्स ऑर्डर किए हैं। ये अगले 6 दिनों के लिए चलेंगे, मे बी 5 या 6 दिनों के लिए। मैं यूजुअली 4 to 5 एग्स खाता हूँ डिपेंडिंग ऑन हंगर। अभी इस वक्त पे मुझे इतनी ज्यादा भूख नहीं लगी है, इसीलिए आज ब्रेकफास्ट के लिए हम 4 पूरे अंडे खाएंगे। कल मैंने 5 खाए थे, नॉट सच अ बिग डील। एज लॉन्ग एज आपके बॉडी के अंदर जो भी खाना जा रहा है उसे किचन विंग स्केल और माय फिटनेस पैल की मदद से ट्रैक करोगे तो आप ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आज के दिन में मैं एक अंडा यूजुअल से कम खा रहा हूँ, राइट। इसका मतलब मैंने 70 कैलोरीज टेक्निकली सेव किया है जो मैं बचे हुए दिन में आइदर थ्रू ब्रेड, चपाती, ओट्स या मसूर दाल जैसे अलग अलग फूड सोर्सेज में थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। तो स्टार्ट ट्रैकिंग योर फूड। ब्रेकफास्ट यहाँ पे सर्व हो चुका है। थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा पिरी पिरी नमक क्योंकि चिंग्स मसाला खत्म हो गया। 4 ब्यूटीफुल स्क्रैम्बल्ड एग्स। सो वेकेशन पे जाने से पहले मैं अक्सर एक छोटे से चेस्ट ट्वीक के बारे में बात करता था। बेसिकली मेरे पैक में यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेन आ गया था जिसकी वजह से हम करीब 2 हफ्तों के लिए हमने प्रेसिंग मूवमेंट से एक टेम्पररी ब्रेक लिया था। अब हैप्पी टू से कि वो जो ट्वीक है वो अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं देता। इवन अगर मैं डीपली ऐसे मेरे पैक को प्रेस करूँ, उस एरिया को एग्रेवेट करने की कोशिश करूँ तो इट डजेंट हर्ट। इफ आई फ्लेक्स माई चेस्ट इट डजेंट हर्ट। एंड द मेन रीजन इज ये स्ट्रेन होने के बाद मैंने इसे इतना सीरियसली लिया कि मैं अपने पैक्स को 2 बार दिन में स्ट्रेच करता था। जो स्ट्रेच मैं करता था वो मैंने एक पास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एंड आई एम श्योर कि इस वर्कआउट के बाद जब मैं वापस घर आऊंगा तब मैं आप सबके साथ ये चेस्ट का जो स्ट्रेच है वो शेयर करूंगा। तो 2 बार अच्छे से डिलिजेंटली स्ट्रेच करने की वजह से अब कोई इश्यूज नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आज हम ऑलमोस्ट 3 या 4 हफ्तों के बाद इनक्लाइन स्मिथ मशीन बेंच वापस लगाने वाले हैं। आई एम ऑनेस्टली सुपर एक्साइटेड। पिछले कुछ चेस्ट डेज में पंप वैसे आता था पर वो हैवी प्रेसिंग मूवमेंट ना होने की वजह से जो डोपामिन रश और जो अच्छी वाली फीलिंग है, अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग है वो नहीं आ रही थी। सो अब हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करके वापस पीआरस मारना चालू करेंगे। चेस्ट वीक के जस्ट पहले हमने 2 प्लेट्स बेंच किया था फॉर 7 or 8 रेप्स। ऑब्वियसली आज हम डायरेक्टली 2 प्लेट्स बेंच नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज अ रोड टू डिजास्टर, पर हम कुछ मॉडरेटली हैवी करेंगे। मे बी 90 kgs, 95 kgs वार्म अप्स करते वक्त जो फील आता है वो हम करेंगे। बढ़िया, मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, आज का चेस्ट डे एक्साइटिंग होने वाला है। इसके लिए मैं काफी इंतजार कर रहा था। सो ब्रेकफास्ट के साथ साथ क्योंकि हम सुबह ट्रेन करते हैं मैं ये पीने वाला हूँ। ये बेसिकली एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और मैं स्पेसिफिकली इस फ्लेवर के लिए काफी इंतजार कर रहा था। ये है इनका नया EAA 6000 फ्लेवर, जमैकन पैशन फ्रूट। इस EAA की अच्छी बात यह है कि ये मसल ब्लेज के गोल्ड स्टैंडर्ड की रेंज में आता है, अश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी उन सारे लोगों के लिए जो सुबह सुबह ट्रेन करना प्रेफर करते हैं, हैविंग मे बी 0 to 1 मील इन द स्टमक। मैं स्ट्रांगली एक ऐसे टाइप का EAA रेकमेंड करूंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और एक हाइड्रेशन ब्लेंड भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप मेरी तरह सुबह जिम जाते हो तो आपके बॉडी के अंदर हाइड्रेशन और सफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ यू लैक एनी ऑफ दोस थिंग्स, ट्रेन करते वक्त मसल क्रैम्प्स और इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये जो EAA है इसमें एक हाइड्रेशन ब्लेंड इंक्लूड किया गया है जो मेरे बॉडी को सोडियम और पोटेशियम प्रोवाइड करता है। प्लस इसके अंदर कोकोनट वाटर का भी एक्सट्रैक्ट है, गिविंग माई बॉडी एक्जैक्टली वॉट इट नीड्स बिफोर ट्रेनिंग। प्लस एक और रीजन, ये ट्रेन करने के पहले एक परफेक्ट ऑप्शन है इस बिकॉज इसके अंदर बायोपेरिन है जो एक थर्मोजेनिक एजेंट होने की वजह से आपका कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, कीपिंग योर बॉडी नाइस एंड वार्म बिफोर ट्रेनिंग। इस नए फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक को क्लिक करना और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड चेकआउट पे जरूर इस्तेमाल करना। सुपर एक्साइटेड यार, फ्लेवर का स्मेल काफी मस्त आ रहा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 प्री वर्कआउट के कंटेनर्स क्यों है, गाड़ी में एक्सप्लेन करता हूँ। सो द रीजन कि मेरे हाथ में 2 प्री वर्कआउट के कंटेनर्स है इज बिकॉज आज अवधूत हमारे साथ ट्रेन करने वाला है। पिछले साल के जून में मैंने एक डिसीजन लिया था कि सारे वीडियोस खुद शूट करने के बजाय मैं उस टास्क को आउटसोर्स करूंगा। पहले हमारे साथ खुश आता था पर वो विराग के स्टूडियो काम में थोड़ा बिजी हो गया। देन वी मेट अवधूत और अवधूत खुद जिम जाता है और उसको बहुत टाइम से साथ में एक ट्रेनिंग सेशन लगाना था, इसीलिए टुडे इट्स फाइनली हैपनिंग और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपके भी बहुत कमेंट
कमेंट्स आते थे कि आपके वीडियोग्राफर के साथ एक ट्रेनिंग सेशन लगाओ, वी वॉन्ट टू सी यू गाइज वर्किंग टुगेदर, आपके वीडियोग्राफर को ट्रांसफॉर्म करो, ये सारे आपके रिक्वेस्ट थे। हमने बहुत टाइम से एक दोस्त के साथ ट्रेनिंग सेशन नहीं लगाया, ये ओके। सो आज हम अवधूत के साथ ट्रेन करने वाले हैं। आज हम क्या ट्रेन करने वाले हैं? चेस्ट एंड ट्राइसेप। चेस्ट एंड ट्राइसेप, तेरा स्प्लिट क्या है? फोर डे स्प्लिट। फोर डे चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप, शोल्डर्स आणि लेग्स। ओ शोल्डर सेपरेट। शोल्डर्स आणि ऐप शेप बनते व कार्डियो। ओके, और तू कितने साल से ट्रेन कर रहा है? मैं अभी कंसिस्टेंटली 6 months और ऐसे 2 साल से। ओके, पहले रेस्लिंग करता था। कंसिस्टेंटली 6 months? 6 months हाँ। तो वो काउंट करता है। और ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट किया? ट्रेनिंग एज सच भाई को देख के स्टार्ट किया, क्योंकि भाई भी जिम जाता है। बड़ा भाई? हाँ। ओके, और फिर रेस्लिंग अखाड़ा वगैरह। तो वार्मअप्स किए, सब कुछ ओके फील कर रहा है, चेस्ट वीक बिल्कुल इरिटेट नहीं कर रहा है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि टॉप सेट पे जीरो पेन आएगा, वील कम्प्लीटली पुश। सो 2 प्लेट से 2.5 कम, आई थिंक ये वेट अच्छा होगा। अब ये इस डिसीजन पे मैं कैसे आया वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इट्स वेरी इंस्टिंक्टिव, बट आई एम फीलिंग ग्रेट। टॉप सेट किल करते हैं, जितने भी जाएंगे उतने मैं करूँगा। आई एम गेसिंग 9 या 10 मेरा प्रेडिक्शन है। तो 95 kgs टॉप सेट, लेट्स गो। ईजी One, two, three, four, five, six, seven, easy, eight, nine, easy, easy, push, nine. तो मैं अंदर की खुशी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 2-3 हफ्ते हमने कोई भी चेस्ट प्रेसिंग नहीं किया है। डूइंग दिस पेन फ्री इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अब हम हमारा 2 प्लेट्स का जो PR है वो इन द अपकमिंग मंथ ब्रेक करेंगे, और अगला इंक्लाइन स्मिथ मशीन गोल है 2.5 प्लेट्स। बेंच एक ऐसी मूवमेंट है जहाँ पर छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पेशेंट रहेंगे, वील शो अप, और हर चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट में हम थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाएंगे और लैडर को क्लाइंब करेंगे। सुपर हैप्पी क्योंकि इस सेट में 9 रेप्स मिले, हम अगले सेट के लिए वेट सेम रखेंगे, बिकॉज इस मूवमेंट के लिए मेरी रेप रेंज 6-10 है। सो इनक्रेडिबली हैप्पी। अब ये इस वर्कआउट का हाईलाइट नहीं है, वर्कआउट का हाईलाइट तब होगा जब अवधू 27.5 के साथ इंक्लाइन डंबल प्रेस पे PR मारेगा। रेडी? रेडी। टाइट। ये जो स्माइल आपको दिख रही है, ये खुशी, ये PR वाली खुशी होती है। That too is Saket. पिछला वाला PR क्या था? 25 for 8. So 2.5 weight increase. हाँ. Plus reps increase. Steroids. अदूत नाटी ना? हाँ. Okay. Nati or not? Not on protein. Easy. One, two, three, four, five, easy, six, seven, easy, one more, eight, nice set.
safer on the shoulders. The best angle is the one that's the most comfortable for you. So for me, it's a slightly narrow grip. Plus that hits my triceps as well, so it's a win-win. Yeah, it's a win-win. Long head, na? Yeah, it's almost like a close grip bench. But you're still getting a lot of chest. Yeah, but if you're going closer, flare out your elbows slightly. That way you'll stretch out your back. Try it next time. Right, but anyways, doing this, because you can push into the machine very well. Bro, it's the best. And you, and I feel compared to the bar, you get one extra rep. Yeah, 100%. Because you can push, and it's stable, into the machine. Yeah, exactly. And it's safe. If you're about to fail, you can quickly unwrap. Ever since I found this, bro, the love for this machine. Dude, that's what that last two reps that you can press into the machine, na? Yeah, I know what you're talking about, bro. Yeah. Same, I know what you're talking. And ever since I started this, zero shoulder problems. Zero joint problems. I live with no pain. Same, bro. It's amazing. Bro, मैं जितना इस वीडियो में पेन में रहता था ना, but I live pain free. I live a healthy life. Let's go. चल. One. Two. चल. Three. Four. Push. Three. Push. चल. One. Five. One more. One more. One more. At least. Up. 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 Okay. Good. 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 Solid. सॉलिड सॉलिड सॉलिड. सो अवधूत को पहले सेट में 10 रेप्स मिले, इसीलिए मैंने रेकमेंड किया वेट ड्रॉप डाउन करके 25 करने के बजाय जस्ट डू द सेम वेट अगेन. बिकॉज अगर आपको 9 या 10 रेप्स अपने टॉप सेट में मिलता है तो हाई चांसेस है कि सेकेंड सेट में आपको एटलीस्ट 6 रेप्स मिलेंगे. सो 6 टू 10 की रेप रेंज में फेलियर तक पहुँचने का गोल है. सो ही डिड द सेम थिंग और उसको 6 रेप्स मिले स्टेइंग इन दैट हाइपरट्रॉफी रेप रेंज. पर लेट्स से हाइपोथेटिकली उसको फर्स्ट सेट में सिर्फ 7 या 8 रेप्स मिलते, देन आई वुड हैव रेकमेंडेड टू ड्रॉप डाउन, क्योंकि फिर अगले सेट में मे बी 4 या 5 ही मिलते. सो दैट इज टू स्ट्रेंथ फोकस्ड इन माई ओपिनियन. 6 टू 10 मेरे लिए कंपाउंड मूवमेंट पे स्वीट स्पॉट है. सो हमारी पहली जो मूवमेंट थी वो एक चेस्ट फोकस मूवमेंट थी. ऑफकोर्स शोल्डर्स थोड़े बहुत टारगेट हुए, बट दे आरंट एज वार्म एज आई वुड लाइक देम टू बी. तो हमारी अगली मूवमेंट हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस होने वाली है, जो प्राइमरली हमारे फ्रंट डेल्ट को टारगेट करेगी. इसीलिए मैं एक वार्म अप सेट करता हूँ, यूजुअली जस्ट स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस, अपने शोल्डर्स में थोड़ा सा ब्लड फ्लो लाने के लिए. सेफ्टी में मदद करता है, इंजरी प्रिवेंशन. मे बी 15-20 रेप्स, फीलिंग गुड. अब थोड़ा सा ब्लड फ्लो हो गया है, अब हम हमारा टॉप सेट लगाएंगे जो होगा आइदर 30 या 32.5. आज बहुत मजा आ रहा है इसीलिए क्या करूँ, 32.5 करूँगा. एटलीस्ट 6 रेप्स जाए, जो एक PR होगा. भाई यूजुअली इस मूवमेंट के लिए मैं 30s ही करता हूँ, उसकी वजह से फटीक भी आता है, बट आज जाएगा. Easier. Easy. 6. One more. One more. 7. Last. Last. 8. 9. Nice, yaar. PR. आपण ट्रेन करू एकत्र रोज. मी सांगतोय असं एकटं नाही होत, मैं कह रहा था कि ये अकेले ट्रेन करने से नहीं होता, जो पुश मिलता है ट्रेनिंग पार्टनर होने से. ओ माय गॉड, बापरे, नॉट इवन नॉट. जिम ब्रो होने का एक फायदा है कि जैसे मैंने PR मारा तो साकेत को लगा अभी इसने भी PR मारा है तो हमें भी पुश करना चाहिए. तो दैट्स द जिम ब्रो मेंटालिटी. चल. शोल्डर काही वॉर्म झाले ते काय शोल्डर्स आता थांब. लॅटरल रेजेस बच्चे हैं, मशीन चेस्ट प्रेस, फ्लाइज, ये तो शुरुआत है. 7 जाएंगे. 9 भी जा सकते हैं. गए तो इजी यार. Easy. 1 2 3 4 5. Easy. 6 7. Easy, easy. One more. 8. Push. Azun ek. 8. Nice set. Kaya hota chakkar. लाइट हेडेडनेस नॉर्मल है, होता है. अगर आप एक्चुअली हार्ड ट्रेन करोगे तो होगा, पर चला जाता है 30-40 सेकंड में. ऐसे सब भेज रहा है अभी. गुड सेट. PR 9.8. योर टर्न. चल. 1
टू फेलियर, थ्री फोर एक्सप्लोड, फाइव चल चल चल, सिक्स सेवन एट चल रे, नाइन टेन इलेवन चल, ट्वेल्व अजून एक जाईल, पुश 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 पुश, ओ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। हर एक्सरसाइज पे सिर्फ दो सेट्स करने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी ट्रेनिंग क्वालिटी कभी सफर नहीं होती। उन दो सेट्स पे अगर आप ऑल आउट जाओगे भी तो भी आपको बचे हुए जो भी वर्कआउट है उसमें एनर्जी बचेगी। हम यूजुअली थ्री सेट्स ऑफ एवरीथिंग करते आ रहे हैं पर उससे बहुत एक्सेसिव वॉल्यूम हो जाता है और फिर मैं उस डंबल प्रेस पे अपना 100% नहीं दे पाता। अभी दूसरे चेस्ट मूवमेंट के लिए हम मशीन चेस्ट प्रेस लगाने वाले हैं। मेरे अंदर अभी भी एनर्जी बची है, सो आई एम गोना गिव दीस टू सेट एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट। लेट्स डू इट। 89 ऑन द बार, लेट्स स्मैश इट टिल फेलियर। 1 2 3 4 5 6 easy yaar, 7 8 push one more push, nice set 8 54 1 2 chal at least 6 3 push 4 chal 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 5 slow bass next set weight reduce फील होता है पूरा हैमर स्ट्रेंथ रे। हैमर स्ट्रेंथ पहले सेट में 8 गए, अब मैं डिबेट कर रहा हूँ कि वेट ड्रॉप करूँ कि नहीं। अगर मैं सेम 89 कंटिन्यू करता हूँ तो आई थिंक मुझे 6 रेप्स मिलेंगे विच आई थिंक शुड बी गुड, पर 6 जाने चाहिए। आई डोंट लाइक गोइंग बिलो 6, तो अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स सी, एनर्जी अभी भी है, रेस्ट भी किया है 3-4 मिनट। सो टू थ्री फोर चल, फाइव सिक्स चल, सेवन पुश अजून एक जाईल, ट्राई कर आप अप, ओके 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 ओके। सो आज हम चेस्ट और शोल्डर्स ट्रेन कर रहे हैं, राइट? तो मेरी जो फिलॉसफी है वो है कि जब आप ऐसे दो मसल ग्रुप्स ट्रेन करते हो, फॉर एग्जांपल इवन लेग डे पे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स, आई लाइक टू गो बैक एंड फोर्थ। इससे क्या होता है, एक मसल ग्रुप होने के बाद अगर आप स्विच करोगे तो वाइल डूइंग द अदर मूवमेंट उस मसल ग्रुप को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। इस केस में मैंने इंक्लाइन प्रेस के साथ स्टार्ट किया, दैट वॉज चेस्ट, फिर हम गए शोल्डर्स पे, वो ख़त्म होने के बाद मेरे पैक्स थोड़े से रिकवर हुए। देन आई वेंट हार्ड ऑन मशीन चेस्ट प्रेस, अब हम लैटरल रेजेस करेंगे। तो वो इसके पीछे का लॉजिक है। लैटरल रेजेस टू ऑल आउट सेट्स, मोस्टली मैं सीटेड लैटरल्स करूँगा जस्ट बिकॉज उससे थोड़ा सा स्विंगिंग और मोमेंटम हटता है। एंड देन वील फिनिश ऑन द चेस्ट डे विथ फ्लाइज। ऑलरेडी पंप आया है शोल्डर्स में, स्ट्राइशंस फाइबर्स, और मैंने कल के ब्लॉग में जो कहा था, जो मैं फ्लैट और डिप्लीटेड लग रहा हूँ उसे करेक्ट करने के लिए मैंने कल 350 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स खाए। सो आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली फुल राइट नाउ। आज अच्छे फोटोज भी आ सकते हैं, मे बी। 1 2 3 4 5 इजी आर, 6 7 8 चल, 9 10 11 चल इजी अजून, हाँ 11.5 कंटिन्यू कंटिन्यू
अजून अजून कमॉन कमॉन फेलियर नाही आहे ते. ओके चल चल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इजी आर सेवन एट नाइन चल पुश अजून एक एक जाईल अजून एक 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 नाइस ट्वेल्थ पुश बेस्ट सेट वन टू थ्री लवली टेक्निक स्क्वीज येस स्क्वीज कम ऑन लवली फेलियर रे कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन फेलियर चल 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 गो गो फिनिश फिनिश स्क्वीज 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 फोर फाइव सिक्स इजी आर सेवन एट नाइन टेन चल चल पुश 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 लास्ट सेट बेस्ट सेट नाइन कम ऑन कम ऑन कम ऑन अजून एक अजून एक अप पुश 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 स्क्वीज 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 ओ परफेक्ट नाइस एनाबॉलिक विंडो ओके अवधूत वर्कआउट रेटिंग ऑल टाइम 100 आउट ऑफ 10 100 वाह और आज के ट्रेनिंग सेशन का बेस्ट पार्ट इंक्लाइन फॉर दोनों सेट 27.5 दैट्स द हाईलाइट बेंच का पीआर मैंने शोल्डर प्रेस पे मारा क्या बात है अनदर हाईलाइट क्या बात है गुड ओवरऑल एक्सपीरियंस मजा आया अरे तुझ्या सोबत माझा 2-3 वर्षांनंतर ना मॅनिफेस्ट करत होतो मी की 2-3 वर्षांनंतर ना करेन दिस इज द टाइम आई एम ग्लॅड